Vacations are all about taking that pause from the normal hectic life and to make some wonderful memories with families. और अगर ट्रैवलिंग के टाइम पर स्टार्टिंग से ही हम अपनी ट्रैवलिंग को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके रखें तो ये जर्नी और भी ज्यादा इजी हो जाती है. नमस्ते, आई एम प्रियंका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि वीकेंड गेटअवे के लिए आप कैसे अपने ट्रैवलिंग बैग्स को बहुत अच्छी तरीके से पैक एंड ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. दिस इज अ स्टैंडर्ड केविन साइज बैग जिसके अंदर मैं पैक करने वाली हूँ 3 लोगों के कपड़े फॉर 2 डेज. फ्रंट में 2 इस तरीके के बड़े पॉकेट्स गिवन हैं जिसमें आप फुटवेयर्स या कोई भी मिसलिनियस चीज रख सकते हैं. केविन बैग्स में इतना इनफ स्पेस होता है जिसमें आप बहुत आराम से 3 लोगों के कपड़े पैक कर सकते हैं और इस जिप में आप रख सकते हैं आपके कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. ट्रैवलिंग के टाइम पे ध्यान रखिए कि आप क्लोथ्स को पैक करते टाइम उन्हें डे वाइज पहले से ही सॉर्ट आउट करके रख रहे हों. जैसे कि डे 2 पे मुझे ये ट्राउजर पहनना है तो मैं इस ट्राउजर को हाफ में फोल्ड करके इसके साथ जो टी शर्ट मुझे वेयर करनी है उसे मैं कुछ इस तरीके से रख के फोल्ड कर दूंगी. अब ऐसा करने से जो भी मेरे डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं और मुझे अपना पूरा का पूरा जो सूटकेस है उसे बार बार ओपन करके क्लोथ्स को ऊपर नीचे से निकालना नहीं पड़ता है. तो मेरे तो हो गए 2 दिन के कपड़े सॉर्ट आउट फोल्डेड एंड रेडी विद माय नाइटवेयर. इसी तरीके से मैंने अपने हस्बैंड के जो जीन्स या टी शर्ट्स हैं उनको भी एग्जैक्टली सेम वे में ही फोल्ड करके सॉर्ट आउट करके रख दिया जैसे डे 1 एंड दिस शॉर्ट एंड टी शर्ट फॉर डे 2 एंड ऑल्सो अ पेयर ऑफ नाइटवेयर. इसी तरीके से बच्चों के कपड़ों को भी डे वाइज सॉर्ट आउट करके ऑर्गेनाइज करके बैग में रख दीजिए. बच्चों के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स लेने जरूरी हैं इनकेस कभी टेम्परेचर वेरी करता है तो उसके लिए मैंने एक फुल पैंट जीन्स या शर्ट रखी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ नाइटवेयर भी रख दिए हैं. एन इम्पॉर्टेंट टिप व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, पैकिंग के टाइम पे सबसे पतला कॉटन का टॉवल पैक करिए क्योंकि ये फटाफट ड्राई हो जाता है और सूट केस में स्पेस भी बहुत कम लेता है. आई एम नॉट यूजिंग एनी पैकेजिंग क्यूब्स, मैं सिर्फ इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स यूज कर रही हूँ. अब इनरवेयर्स को फोल्ड करने के लिए वेस्ट को कुछ इस तरीके से हाफ में फोल्ड करिए और इसके ऊपर रखिए आपके अंडरपैंट्स और सॉक्स और फिर कुछ इस तरीके से उसे रोल कर दीजिए. चाहे बच्चों के इनरवेयर्स हों या फिर बड़ों के, आपको सेम तरीके से इनरवेयर्स को फोल्ड करके क्यूब्स बना करके कुछ इस तरीके से स्टैक करके रखते जाना है. अब जो भी हमारे फोल्डेड इनरवेयर्स हैं मैं उन्हें एक एक करके इस प्लास्टिक बैग के अंदर सेट करके रखते जाऊंगी. आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इनरवेयर्स को एक के ऊपर एक स्टैक नहीं कर रही हूँ. एक के ऊपर एक स्टैक करने की वजह से ये पैकेजिंग काफी ज्यादा थिक हो जाएगी और अननेसेसरी वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी सूटकेस के अंदर. इसी तरीके से जो फीमेल इनरवेयर्स होते हैं उन्हें भी एग्जैक्टली आपको फोल्ड करके इसी पैकेजिंग क्यूब के अंदर रखना है और देखिए कितने कम स्पेस के अंदर कितने आराम से ये सारे के सारे इनरवेयर्स फॉर 2 डेज हमने पैक कर लिए. चलिए अब देखते हैं मेकअप एंड टॉयलेट्रीज को हम कैसे पैक कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा पाउच यूज़ कर रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें एक ही जगह में सेट कर पाऊँ. अब इन चीज़ों को और ज़्यादा सेग्रीगेट करने के लिए आप इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स या फिर जिपलॉक पाउचेस यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि इस पहले पाउच में मैं रख रही हूँ सनस्क्रीन, फेस सीरम एंड अ मॉइस्चराइजर. इन प्रोडक्ट्स को मैं अलग से रख रही हूँ बिकॉज दीज आर दी मेडिकेटेड. इसी तरीके से आप एक और पैकेट रेडी कर सकते हैं जिसमें कि आप शावर या वेदिंग से रिलेटेड चीज़ें रखें जैसे कि फेस वॉश, शावर जेल, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें. और हाँ, इन चीज़ों को अच्छे से लेबल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब इस पूरे के पूरे पैकेट को मैं ले जाकर के वॉशरूम में रख दूंगी होटल में ताकि बेथिंग से रिलेटेड सारी चीजें एक ही जगह पर सेट और ऑर्गेनाइज्ड रहें और हमें बार बार इसे सर्च ना करना पड़े. इसी तरीके से इस पाउच के अंदर मेकअप से रिलेटेड चीजें जो भी आप यूज करते हैं, लिप बाम, कंसीलर, फाउंडेशन, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें सेट करके आप रख सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश. टूथब्रश के लिए मैं होल्डर यूज करती हूँ और लास्ट में एक कॉम. चलिए अब इन सारी चीजों को हम इस बैग के अंदर अच्छे से सेट कर देते हैं. तो सबसे पहले जो बेसिक टॉयलेट्रीज है मैंने उसे डंप किया है. अब उसके बाद में हमारे शावर या बेथिंग से रिलेटेड वाला पैकेट अंदर गया, मेकअप पाउच एंड
ये वाला जो मेरा एक मेडिकेटेड पाउच है उसको मैं अलग से रख रही हूँ, और लास्ट में मैं यहाँ पर एक मेकअप रिमूवर वाइप्स रख रही हूँ इनकेस कुछ भी फेस के ऊपर मेकअप रह जाता है उसे रिमूव करने के लिए। एंड हमारा एक छोटा सा ट्रैवलिंग पाउच एकदम रेडी है। अब हम अपने सूटकेस को पैक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अपने क्लोथ्स को डे वाइज अच्छे से फोल्ड किया है, तो जो डे वन के कपड़े हों मेक श्योर करिए कि आप उन्हें टॉप में रख रहे हों। जो डे टू के क्लोथ्स हैं उन्हें आप नीचे रखिए ताकि आपको डे वन के क्लोथ्स निकालने के लिए पूरे के पूरे कपड़ों को हटाना ना पड़े। तो डे टू के क्लोथ्स मैंने नीचे रख दिए हैं और डे वन के क्लोथ्स मेरे और मेरे हस्बैंड के मैं ऊपर रखूंगी कुछ इस तरीके से, ताकि हम सूटकेस को खोलते ही इन कपड़ों को निकाल पाएं और नीचे के कपड़ों का जो फोल्ड है वो भी खराब नहीं होगा। अब इस पोर्शन में मैं रखने वाली हूँ मेरे बेटे के क्लोथ्स। अगेन उसी तरीके से आपको सेट करना है, डे टू के क्लोथ्स नीचे जाएंगे और डे वन के क्लोथ्स टॉप में आएंगे, और इस साइड में मैं रखूंगी नाइट वेयर्स। अब सबसे ऊपर हमारा रखने वाले हैं इनर वेयर्स का, जो हमने अपना खुद का डीआईवाई पैकेजिंग क्यूब बनाया था उसको। अब यहाँ पर ये जो स्पेस खाली है, क्योंकि मैंने बोला था पतली कॉटन की टॉवल्स रखी, तो देखिए इतने कम स्पेस में भी ये दो टॉवल्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने सेट करके रख दी हैं। अब इस स्पेस में जो नाइट वेयर्स हैं उन्हें मैं फोल्ड करके रोल करके यहाँ रख दूंगी, और उसके ऊपर आएगा हमारा टॉयलेटरी बैग। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्लोथ्स के बीच में यहाँ पर काफी सारा स्पेस खाली होता है, जिसमें कि आप टॉवल्स, एक्स्ट्रा इनरवेयर्स या फिर नाइटवेयर्स को रोल करके रख सकते हैं सूटकेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। अब जो भी आपकी ब्रास वगैरह हैं चाहे तो आप उन्हें कुछ इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं, या फिर ये वाला जो पोर्शन होता है आप उसमें भी अपने इनरवेयर्स को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैं कोई भी पैकेजिंग क्यूब यूज नहीं कर रही हूँ, तो प्लास्टिक बैग के अंदर मैं रख रही हूँ मेरे शूज। तो यहाँ से जब हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, तो मैं स्लिपऑन्स पहन के जाऊंगी, इसलिए मैंने शूज को पैक किया है। इसी तरीके से मैं अपने बेटे के भी शूज जो है उन्हें पैक कर रही हूँ, एंड ही इज गोइंग टू वेयर द क्रॉक्स व्हाइल ही इज ट्रैवलिंग। जैसे कि मेरे हस्बैंड यहाँ से शूज वेयर करके जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्लीपर्स रख रही हूँ इन केस हमें इसकी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर स्पेस देखिए बचा हुआ है, तो सारे के सारे जितने भी फुटवेयर्स थे मैंने उसे टॉप पॉकेट में ऑर्गेनाइज करके पैक करके रख दिया है। अब अपने बैग्स को लास्ट में अच्छी तरीके से टाइट करके स्ट्रैप कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर काफी सारा स्पेस बचा हुआ है। We are going on a relaxing trip by road, so here I am about to pack some snacks also in this tote bag. तो मैं कुछ मार्केट से लाए हुए स्नैक्स भी रखूंगी और कुछ हेल्दी स्नैक्स भी रखूंगी। तो यहाँ पर इस बैग के अंदर मैं पैक कर रही हूँ पेपर प्लेट्स, बोल्स, टिश्यू पेपर, स्पून्स एंड कप्स। दिस वन इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट हियर एट लास्ट आई एम यूजिंग दिस बैकपैक, जिसमें काफी सारा स्पेस है टू कीप ऑल द स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टफ, जैसे बूमरैंग, शटलकॉक्स, बैडमिंटन प्लेइंग कार्ड्स, एंड येस वी आर गोइंग टू अ रिजॉर्ट, सो मैं यहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी जितने भी हैं उन्हें स्पोर्ट्स बैग के अंदर ही पैक कर दूंगी। यू कैन टेक अ पाउच एंड कीप ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक्स, एज वी आर गोइंग ऑन अ रिलैक्सिंग ट्रिप, सो आई एम जस्ट टेकिंग मोबाइल चार्जर्स विद मी। At last, make a pouch and keep some emergency basic medicines with you. And we are done. क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम के लिए और रिलैक्सिंग ट्रिप पे जा रही हूँ, तो एक ही पाउच जिसमें हमने चार्जर्स रखे थे उसी में मैंने मेडिसिन भी रख दी हैं, और इस पाउच को ताकि हैंडी रहे मैं इस बैकपैक में रखने वाली हूँ। इसको बस जिप को ओपन करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड वी आर डन। This is all for today's video, and I really hope you are going to find all these tips useful. If you like this video, then please like, share, and subscribe to my channel.
You can also follow us on Instagram and Facebook for more video related updates. I will see you next time with another video. Till then, enjoy, take care, and bye bye.